सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, ये है आर्ट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड सेकेंड वीडियो, और इसमें मैं बेसिकली कृष्णा जी का आउटलाइन ड्रॉ करने वाला हूँ और आपको ट्यूटोरियल भी देने वाला हूँ। तो गाइस, ये बेसिक सा आउटलाइन का वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा आउटलाइन के बारे में, और आर्ट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड एक अपडेट है जिसको मैं आपको देना चाहता हूँ। तो आर्ट कॉम्पिटिशन का जो लास्ट डेट है उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है। तो पहले था 29 फरवरी, अभी मैंने उसको 10 मार्च कर दिया है, क्योंकि आप लोग का कमेंट्स आया था कि आपको काफ़ी टाइम चाहिए उसके लिए, आपका एग्ज़ाम चल रहा है। तो मैं आर्ट कॉम्पिटिशन का डेट को एक्सटेंड कर दिया हूँ, तो आप लोग आराम से बनाइए। और कितने लोग भेज भी चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा है आपका ड्राइंग्स, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप लोग के बहुत सारे ड्राइंग्स देखने के लिए। तो आराम से बनाइए, पेशेंस के साथ बनाएंगे, तभी आपका ड्राइंग में अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए आउटलाइन को ड्रॉ करते हैं। सो गाइज, आउटलाइन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ग्रिड मेथड को ही क्यों चूज़ किया आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो अगर मैं एक आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे परफेक्ट आउटलाइन चाहिए, परफेक्ट प्रोपोर्शन चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ पर जीतना है। तो इसीलिए आपको आउटलाइन पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप शेडिंग बहुत अच्छा करते हैं, एकदम हाइपर रियलिस्टिक करते हैं, लेकिन अगर आपका आउटलाइन अच्छा नहीं हुआ, तो वहीं पर वो जो ड्रॉइंग होगा वो मात खा जाएगा। तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको ग्रिड मेथड में नहीं बनाना है, आप कॉन्फिडेंट हैं किसी भी मेथड में, या फिर फ्री हैंड में, या फिर लुमिस मेथड में, तो आप उसमें ही बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ग्रिड्स को पहले करके ड्रॉ करके रखा था, और अगर आपको ग्रिड्स ड्रॉ करने नहीं आता है पेपर के ऊपर या फिर फोटो के ऊपर, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल दिया है जिसमें मैंने फुल ट्यूटोरियल दिया है, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। तो यही कुछ बात था इंपॉर्टेंट जो कि मुझे आपको बोलना था, और मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग जितना हो सके उतना पार्टिसिपेट करिए। और अगर आपको टाइम का प्रॉब्लम है, तो उसको भी मैंने सोल्यूशन कर दिया है, मैंने टाइम को बढ़ा दिया है लास्ट डेट को। तो आप लोग भी करिए ड्रॉ, और अगर जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, करना पार्टिसिपेट ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जिसको हम कलरिंग करेंगे, जिसमें हम कलरिंग करेंगे।